हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे दोस्तों जो लोमोव है वो चुबुकोव के घर आ चुका है एक प्रपोजल के साथ कि उसको चुबुकोव की बेटी नताले के साथ शादी करनी है। और दोस्तों, ये प्रपोजल सुन के चुबुकोव भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है और वो नताले को बुलाने के लिए अभी अभी गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो लोमोव है वो क्या सोचेगा और फिर नताले से क्या बात करेगा, उसी चीज को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोमोव है दोस्तों वो खुद से बात कर रहा है क्योंकि अभी तक नताले आई नहीं है। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैव गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। यहाँ पे दोस्तों जो लोमोव है उसको ठंड लग रही है, वो यहाँ पे सोच रहा है कि इतना ज्यादा वो कांप रहा है और फिर साथ में दोस्तों उसको ऐसा लग रहा है कि उसके सामने कोई एग्जाम है जो कि आने वाला है, यानी कि काफी ज्यादा नर्वस वो फील कर रहा है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माय माइंड मेड अप, वो कहता है कि सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा माइंड क्लियर है कि मुझे नताल्या से ही शादी करनी है। इफ आई गिव माय सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो यहाँ पे लोमोव सोचता है कि अगर मैं खुद को टाइम दूंगा कि मुझे एक ऐसी लड़की मिले जिससे कि मैं बहुत ज्यादा बात कर सकूं, प्यार कर सकूं, वो सारी चीजें हो जिसमें वो हेजिटेट ना करे, तो ऐसी लड़की उसको मिलने वाली नहीं है और फिर वो कभी शादी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो कहता है कि ये जो नताला है ये बिल्कुल सही है। बुर, इट्स कोल्ड, दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड लग रही है लोमोव को। Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. वो कहता है कि जो Natalia है वो अच्छे से घर को संभाल भी लेगी, वो दिखने में भी कोई बुरी तो है नहीं और काफी educated भी है, तो इसीलिए उससे शादी की जा सकती है। What more do I want, कि मुझे और क्या चाहिए? But I'm getting a noise in my ears from excitement. वो कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा excitement feel कर रहा हूँ। Drinks, मतलब कि वो पानी भी पीता है क्योंकि वो nervous भी है दोस्तों। And it's impossible for me not to marry. वो खुद ही सोच रहा है कि शादी तो मुझे करनी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिना शादी के ऐसे जी लूंगा। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी 35 इयर्स का हो चुका हूं और दोस्तों 35 इयर्स के बाद शादी होना ये बहुत ज्यादा रेयर चांसेस हो जाते हैं। इन द सेकंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, कहता है। और उसके बाद यहां पे क्या रीजन है कि मेरी एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट वाली नहीं है। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस, वो कहता है कि मुझमें पैल्पिटेशंस भी होती हैं। पैल्पिटेशंस का मतलब है दोस्तों रैपिड हार्ट बीट, मतलब कि जब कोई बंदा नर्वस होता है तब उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वो और ज्यादा नर्वस होने लग जाता है, घबराने लग जाता है। तो ये वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पे लोमोव के साथ है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कभी बार एक्साइटेड हो जाता हूँ, कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, कि अभी मेरे जो लिप्स हैं वो कांप रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, कि मेरी जो राइट आईब्रो है वो भी दोस्तों फड़क रही है, मतलब कि बहुत ज्यादा ये नर्वस फील कर रहा है। तो ये अपनी कमियां यहाँ पे खुद ही को समझा रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, बट सबसे बुरी बात तो वो है कि जिस तरीके से मैं सोता हूं, आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक, वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन। But as soon as I begin to get off to sleep, there's another pull, and this may happen 20 times. देखिए दोस्तों क्या हुआ, वो सारी अपनी गलतियां, अपनी जो बुराइयां हैं वो रिकॉल कर रहा है। वो कहता है कि मेरे सोने का तरीका तो बहुत ही खराब है। जैसे ही वो बेड पर लेटता है उसके दोस्तों शोल्डर में ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो कि उसको पीछे खींच रही है और उसको इतनी ज्यादा खुद ही धक्का लगता है कि वो थोड़ा दोस्तों घूमने लग जाता है। फिर जब दोबारा सोता है तो ऐसा दोबारा होता है, तो ऐसा 20 times होता है, तब जाके उसको नींद आती है। मतलब कि दोस्तों काफी सारे यहाँ पे उसकी बॉडी के साथ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो गिनवाता है। Natalia Stepanova comes in. देखिए दोस्तों अभी तक ये जो भी बातें हो रही थी यहाँ पे लोमोव खुद से कर रहा था, अपने मन में सोच रहा था। अब फाइनली ड्राइंग रूम में Natalia आ गई है दोस्तों। अब Natalia क्या कहेगी, इन दोनों के बीच में क्या बात होगी, उसको देखते हैं। Natalia वो क्या कहती है, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू, इवान वेसिलविच। दोस्तों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आते ही जो Natalia वो क्या कहती है, अरे तुम आयो, पापा ने तो कहा कि कोई ऐसा बाजार वाला आया है जो कि अपना सामान बेचने के लिए बाहर खड़ा है, तुम कैसे हो इवान वेसिलविच। दोस्तों यहाँ पे मतलब कि जो चुबुकोव है उसने अपनी बेटी को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अब ऐसा क्यों किया ये तो दोस्तों नहीं बताया गया है, बट यहाँ पे जो Natalia है उसने पहचान लिया है कि लोमोव उसके घर पे आया है। लोमोव क्या कहता है, हाउ डू यू डू ऑनर्ड Natalia Stepanova। दोस्तों यहाँ पे लोमोव कहता है कि तुम कैसी हो Natalia, मतलब कि उसको बहुत ही अच्छे इज्जत के साथ वो ग्रीट करता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजाइ, we are shelling peas for drying, why haven't you been here for such a long time, sit down, they seat themselves, won't you have some lunch। देखिए दोस्तों यहाँ पे Natalia कहते हैं कि सबसे पहले तो जो मैंने पहना हुआ है apron और negligee, दोस्तों negligee basically nightie को कहा जाता है, मतलब एक apron type की कोई चीज होती है। तो वो कहते हैं कि जो मैंने कपड़े पहने हुए पहले तो इसके लिए सॉरी, और फिर हम क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे, और तुम इतने टाइम से क्यों नहीं आयो, तुम खड़े क्यों हो, बैठो, और फिर क्या तुम लंच लोगे।
मतलब कि यहाँ पे नताला भी बहुत ही नॉर्मली बात कर रही है, उससे सारे क्वेश्चंस पूछ रही है कि क्या तुम खाना खाओगे, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, मतलब कि यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ सारी बातें कर रहे हैं। लोमोव, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। यहाँ पे लोमोव कहते कि नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। नताला, देन स्मोक, हियर आर द मैचेस। उससे यहाँ पे नताला कहते कि अच्छा फिर तुम क्या स्मोक करना चाहते हो, यहाँ पे जो माचिस है वो भी रखी है। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ बट यस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे। यहाँ पे दोस्तों नताला कहती है कि वेदर कितना अच्छा हो चुका है, और फिर कल क्या था, कल बहुत ज्यादा गीले थी, मतलब कि कल बारिश हुई होगी जिसकी वजह से जो भी काम वाले हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। How much hay have you stacked? देखिए दोस्तों यहाँ पे नताला लोमोव से पूछती है कि तुमने कितना hay stack कर लिया है। hay क्या होता है दोस्तों? Dry grass। दोस्तों हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो चुबुकॉव है और लोमोव, दोस्तों इन दोनों की फैमिलीज लैंड ओनर्स हैं, तो दोस्तों वो फार्मिंग भी करते होंगे। फार्मिंग के बाद जो भी ड्राई ग्रास होती है उसको सेल किया जाता है, तो वो जो ड्राई ग्रास है उसको कलेक्ट करने का सीजन यहाँ पे चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो नताला है वो यही पूछती है लोमोव से कि तुमने कितनी ड्राई ग्रास इकट्ठी कर ली है, और फिर वो खुद ही कहती है कि आई फेल्ट greedy and had a whole field cut and now I'm not all pleased about it because I'm afraid my hay may rot। यहाँ पे नताला कहती है कि मैंने तो अपना जो फील्ड है, अपना जो लैंड है, मैंने उसकी सारी जो भी ड्राई ग्रास थी उसको कलेक्ट करवा लिया था, और अब बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो खराब हो जाएगी, तो इसीलिए अपने डिसीजन पे उसको अब नाश नहीं है, वो थोड़ा गलत भी फील कर रही है। आई हॉट टू हैव वेटेड अ बिट, कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस? वेल आई नेवर। आर यू गोइंग टू बॉल ऑफ वॉट? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट। दोस्तों यहाँ पे नताला पूछते कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो? मैं तो ऐसे शाम को ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मतलब कि यहाँ पे ड्रेस के बारे में नताल्या पूछने लगी है। लोमोव क्या कहता है? एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो जाता है। यू सी ऑनर नताल्या स्टेपनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माय माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। ऑफ कोर्स यू बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट असाइड इट्स ऑफुली कोल्ड। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो लोमोव है वो दोस्तों दोबारा से बात को घुमाने लग गया है। वो फाइनली बोलने वाला है कि कैसे वो नताल्या से शादी करना चाहता है, और इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहन कर आया है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुछ बात सुनो, तुम्हें हल्का सा गुस्सा भी आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे वो कुछ कहना चाहता है। और दोस्तों वो फिर कहता है कि मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, मतलब कि नर्वस ये अभी भी बहुत ज्यादा फील कर रहा है। नताल्या, व्हाट्स द मैटर? पॉज। वेल, देखिए नताल्या कहती है कि क्या हुआ है बताओ मुझे। लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। You must know, Anna Natalia Stepanova, that I have long, since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. दोस्तों यहाँ पे लोमोव बोलना शुरू करता है, बहुत ही दोस्तों ये डीप में बहुत ही ज्यादा घुमा घुमा के अपनी बातें कर रहा है। वो क्या कहता है कि मैं कम ही शब्दों में अपनी बात को कहना चाहूंगा, देखिए मैं बचपन से तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। My late aunt and her husband, for whom you know I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो ancestors हैं, वो भी तुम्हारे ancestors की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। यहाँ पे मतलब कि वो शो कर रहे हैं कि कैसे जो लोमोव्स हैं और जो चुबुकॉव्स हैं उनकी फैमिली के बीच में एक काफी अच्छा बॉन्ड है बहुत ही पुराने टाइम से। द लोमोव्स एंड द चुबुकॉव्स हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट गार्ड फॉर ईच अदर। वो कहते हैं कि हमेशा से जो लोमोव और चुबुकॉव की फैमिलीज हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, फ्रेंडशिप है, और फिर मैं इसी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना भी चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। यानी कि यहाँ पे फैमिलीज की तारीफ की जा रही है। And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my oxen meadows touch your bridgewoods. देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लोमोव है वो क्या कहता है कि हमारी जो जमीन है वो भी तुम्हारी फैमिली की जमीन के बहुत पास ही है। तुम्हें पता होगा कि जो मेरे ऑक्सिन मेडोज हैं वो तुम्हारे बिल्कुल ब्रिजवुड्स के पास है। दोस्तों ये लैंड के नाम है कि मेरा एक लैंड का पीस है जिसका नाम है ऑक्सिन मेडोज, और जो तुम्हारी लैंड का पीस है उसका नाम है ब्रिजवुड, और ये दोनों भी बिल्कुल साथ साथ ही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लोमोव ये शो करना चाह रहा है कि उनकी फैमिलीज कितनी ज्यादा कनेक्टेड हैं और कितना पुराना उसका दोस्तों संबंध उनकी फैमिली से चलता आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे लोमोव तो इंप्रेस ही करना चाहता है। पर दोस्तों यहाँ पे नताल्या क्या कहती है, देखिए, एक्सक्यूज माय इंटरप्टिंग यू, यू से माय ऑक्सन मेडोज बट आर दे योर्स? देखिए यहाँ पे नताल्या कहती है कि रुको रुको, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे ऑक्सन मेडोज, क्या वो तुम्हारे हैं? मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ऑक्सन मेडोज वाली जो लैंड है शायद से उस पर कोई झगड़ा है, तो इसीलिए नताल्या पूछती है कि क्या जो ऑक्सन मेडोज है वो तुम्हारे हैं? लोमोव का कहता है कि हाँ मेरे हैं, यस माइन। नताल्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्सन मेडोज आर आवर्स, नॉट योर्स। नताल्या कहते हैं कि नहीं
नहीं नहीं ऑक्सिन मेडोज तो हमारे हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक लड़ाई से शुरू हो सकती है। जो लोमोव है वो कह रहा है कि ऑक्सिन मेडोज उसकी फैमिली के हैं, और नताल्या कह रही है कि ऑक्सिन मेडोज नताल्या के, मतलब कि चुबोकोव के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लोमोव क्या कहता है, देखिए, नो माइन ऑनर नताल्या स्टेपनोवा। लोमोव कहते हैं कि नहीं 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 ऑक्सिन मेडोज तो मेरे हैं, और वो काफी इज्जत के साथ ये बात बोलता है। नताल्या, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। यहाँ पे नताल्या कहती है कि मुझे ये बात तो कभी भी नहीं पता था कि ऑक्सिन मेडोज मेरे नहीं है बल्कि तुम्हारे हैं, तुम्हें ये चीज कहां से पता चली। लोमोव कहता है, हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोस ऑक्सिन मेडोज व्हिच आर वेस्ट बिटवीन योर ब्रिजवर्ड्स एंड द ब्रंट मार्शेस। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोमोव कहता है कि मैं तो उन ऑक्सिन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे ब्रिजवर्ड और ब्रंट मार्शेस, दोस्तों दो अलग अलग लैंड के पीस हैं, उसके बीच में जो प्रेजेंट ऑक्सिन मेडोज है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। नताल्या क्या कहती है, यस यस दे आर आवर्स। नताल्या कहती है कि हाँ मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, वो तो हमारे हैं। लोमोव, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नताल्या स्टेपनोवा, दे आर माइन। लोमोव कहते कि नहीं तुम्हें कुछ गलती लगी है। इज्जत के साथ ही वो ये बात कहता है कि नहीं, जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तो मेरे हैं। नताल्या, जस्ट थिंक इवान वसिलोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। नताल्या कहती है कि अच्छा तुम्हें कब तक याद है, तुम्हें कब पता चला था कि ये जो ऑक्सिन मेडोज है ये तुम्हारे हैं। लोमोव कहता है, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मुझे यही पता है कि जो ऑक्सिन मेडोज है वो तो हमारे हैं। नताल्या, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। नताल्या कहती है कि नहीं मैं इस चीज पे तो विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकती। लोमोव, लोमोव देखिए क्या कहता है, बट यू कैन सी देम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नताल्या स्टेपनोवा, ऑक्सिन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बट नाउ एवरीबॉडी नोस दैट दे आर माइन। यहाँ पे दोस्तों लोमोव कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट शो कर सकता हूँ जिसपे लिखा है कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो लोमोव के हैं। हाँ एक समय था जब ऑक्सिन मेडोज पे डिस्प्यूट था कि ये लैंड किसकी है, पर अब तो सबको पता है कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तो लोमोव के हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट कि यहाँ पे लड़ाई करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो क्लियर है कि ऑक्सिन मेडोज लोमोव के ही है। वो एक्सप्लेन भी करता है, यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मेडोज इन परपेचुटी टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own. When it happened that, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लोमोव है, वो पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने लग गया है। लोमोव ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे उसकी aunt की जो grandmother थी, उसने यहाँ पे दोस्तों जो चुबोकोव्स हैं, उसको ये land use करने के लिए उधारी पर दी थी कि वो इस land को use करें और बदले में bricks बना कर दें। पर दोस्तों क्या हुआ, 40 years तक जब चुबोकोव्स ने वो land को use किया तब उनको लगने लगा कि ये लैंड उन्हीं की है, बट यहाँ पे रियलिटी में ये जो लैंड है ये लोमोव की है। तो ये सारी चीजें लोमोव एक्सप्लेन कर रहा है, बट यहाँ पे जो नताल्या है वो इंटरप्ट कर देती है। वो कहती है कि नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to Brunt Marsh, which means that Ogden Meadows were ours. यहाँ पे नताल्या कहती है कि नहीं, मैं तो बचपन से सुनते आई हूँ, मेरे दादा या जो मेरे परदादा थे सबने यही कहा है कि Brunt Marshes तक जो भी लैंड है वो यहाँ पे चुबोकोव्स की है, मतलब कि जो Ogden Meadows हैं वो भी चुबोकोव के हैं। I don't see what's there to argue about. It's simply silly. नताल्या यही कहती है कि यहाँ पे लड़ाई करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि जो यहाँ पे Ogden Meadows हैं वो तो चुबोकोव्स की ही है, यहाँ पे लोमोव के वो नहीं है। लोमोव सेज, I'll show you the documents, Nataliya Stepanova. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लोमोव को भी थोड़ा गुस्सा आ गया है। वो कहता है कि नताल्या मैं तुम्हें documents पे दिखा सकता हूँ। नताल्या says, No, you're simply joking or making fun of me. What a surprise! We have had the land for nearly 300 years and then we suddenly told that it isn't ours. देखिए यहाँ पे नताल्या कहती है कि नहीं, तुम तो यहाँ पे मजाक कर रहे हो, मेरी यहाँ पे बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल ही मजाक कर रहे हो कि 300 सालों से जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो यहाँ पे चुबोकोव्स के नाम पर है, नताल्या के हैं दोस्तों वो, और अब यहाँ पे कोई आकर उसके घर पे कहता है कि नहीं वो तो किसी और के हैं, तो ये तो एक मजाक ही है। Ivan Vasilovich, I can hardly believe my own ears. These meadows are not worth much to me. They only come 5 decisions and are worth perhaps 300 rubles, but I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. देखिए दोस्तों यहाँ पे नताल्या कहती है कि वैसे भी तुम जो इतना ज्यादा लड़ रहे हो, ये जो लैंड का पीस है, ये जो ऑक्सिन मेडोज है, इसकी वर्थ कुछ ज्यादा नहीं है। दोस्तों वो जो उसका एरिया है वो भी बताती है, उसकी जो कॉस्ट है 300 रूबल्स, दोस्तों ये रशिया की करेंसी है, तो 300 रूबल्स ये कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है मेरे लिए, पर जो तुम बात गलत कह रहे हो मैं उसकी अगेंस्ट यहाँ पे खड़ी हूँ कि यहाँ पे जो ऑक्सिन मेडोज है वो हमारे हैं, तुम उसको अपना बता रहे हो, ये चीज अनफेयर है, सही नहीं है, और जो भी चीज अनफेयर है उसके खिलाफ यहाँ पे नताल्या जरूर खड़ी होगी। तो यहाँ पे
दोस्तों, नताले ने बहुत ही अच्छे से बोला है कि ऑक्सिन में दोस्तों उसी के लोमोफ सेज, हियर मी आउट, आई इंप्लोर यू, द पीसेंस ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माय आंट्स ग्रैंडमदर, नाउ माय आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट डैश डैश। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो लोमोव है वो दोबारा से कहते हैं कि मेरी तुम एक बारी बात सुनो, आई इंप्लोर यू, मतलब आई बेग यू, तुम मेरी एक बारी एक्सप्लेनेशन को सुनो। तो वो फिर अपनी वही दोस्तों जो हिस्ट्री की कहानी है वही सुनाता है कि कैसे जो मेरे फादर के ग्रैंडफादर थे उनके जो पीजेंट्स थे वो ब्रिक्स बनाते थे ग्रैंडमदर की आंट के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने दोस्तों उनको खुश करने के लिए ऐसा कहा था, मतलब कि वो अपनी पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रहा होता है। पर दोस्तों नतालिया दोबारा से इंटरप्ट कर देती है, नतालिया कहती है कि आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, द मेडोज आर आवर्स, दैट्स ऑल। नतालिया कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तुम जो भी ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आंट्स जिसकी भी बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका हेड टेल जो भी इसकी थ्योरी है कुछ मैं इस पर बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तो हमारे हैं और वो हमारे ही रहेंगे, और यही पूरी की पूरी बात है। लोमोव माइंड, लोमोव कहता है कि नहीं, जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तो हमारे हैं। नतालिया, आवर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दे आर आवर्स आवर्स आवर्स। देखिए दोस्तों नतालिया को गुस्सा आ गया, वो कहते हैं कि नहीं, ऑक्सिन मेडोज तो मेरे ही हैं, तुम यहाँ पे 2 दिन तक चाहे लड़ते रहो, तुम अपने ऊपर से 15 और जैकेट्स पहन लो, जो मर्जी करो, पर यहाँ पे एक सिंपल सी बात यह है कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो देयर। देखिए यहाँ पे नतालिया कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो मुझे नहीं चाहिए, पर जो मेरा है मैं वो तुम्हें भी नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि ऑक्सिन मेडोज तो हमारे हैं। लोमोव सेज, नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मेडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। लोमोव कहता है कि यहाँ पे नतालिया स्टेपनोवा मेरी बात सुन लो, मुझे कोई मेडोज से कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, तुम उसको ले सकती हो, मैं तुम्हें वो गिफ्ट भी कर दूंगा, बट मैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ, मतलब कि रूल के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तो हमारे ही हैं। अब दोस्तों नतालिया क्या कहती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माइसेल्फ बट दे आर माइन, योर बिहेवियर इवान वासिलेविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। देखिए यहाँ पे नतालिया कहती है कि गिफ्ट में तो वो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ, बट यहाँ पे वही बात है कि जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो तो हमारे ही हैं, और आज जो तुम्हारा बिहेवियर है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो चुका है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड, लास्ट ईयर वी लेंट यू अ थ्रेशिंग मशीन, ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर, बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नताला है वो थोड़ा पास्ट के बारे में और बात करती है, वो कहती है कि आज जो तुम्हारा बिहेवियर है बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, हम तो तुम्हें एक अच्छा नेबर मानते थे, पिछले साल तुमने हमारी थ्रेशिंग मशीन भी ली थी। थ्रेशिंग मशीन मतलब दोस्तों वो वाली मशीन जिससे कि जो ग्रेन्स हैं वो हमारे क्रॉप से अलग हो जाते हैं, तो वो वाली मशीन भी तुमने हमसे ही ली थी, और उसकी वजह से हमें खुद की अपनी जो थ्रेशिंग है उसको नवंबर तक डिले करना पड़ा था, तुमने हमारे साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था। गिविंग मी माई ओन लैंड इन डीड, नो रियली दैट्स ऑल नॉट माई नेबरली, इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट। If you want to know, दोस्तों नताला यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कह देती है कि तुम जो यहाँ पे जो कर रहे हो ये बहुत ही गलत है, इमॉडेस्ट है, ये तुम्हारे बिहेवियर को सूट नहीं करता, और आज तुमने बहुत ज्यादा हम सबको हर्ट किया है। लोमोव देखिए क्या कहता है, देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर, मैडम नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबॉडीज एल्सेस लैंड एंड शान्ट अलाउ एनीबॉडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लोमोव है वो कहता है कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी लैंड को हड़प लिया है, मुझे लाइफ में किसी ने ऐसा नहीं कहा है और मैं किसी को कहने भी नहीं दूंगा, ये तुमने बहुत गलत किया है। Quickly steps into the carafe and drinks more water. Oxygen meadows are mine. यहाँ पे दोस्तों लोमोव और पानी पीता है और फिर फाइनली कहता है कि दोबारा से ऑक्सिन मेडोज तो मेरे ही हैं। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स। नतालिया कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है, ऑक्सिन मेडोज मेरे हैं। लोमोव कहता है कि नहीं मेरे हैं। नतालिया, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माय मूवर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे। नतालिया कहती है कि मैं इस चीज को प्रूव करूंगी, मैं आज ऑक्सिन मेडोज पर घास काटने वाली मशीन को भिजवा दूंगी, उससे प्रूव हो जाएगा कि ये लैंड तो मेरी है, मैं जो मर्जी इस पे करवा सकती हूं। लोमोव, व्हाट? लोमोव कहती है कि क्या तुम क्या करने वाली हो? नतालिया सेज, माय मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। नतालिया कहती है कि मैं आज ही अपनी घास काटने की मशीन को वहां पे भिजवा दूंगी। लोमोव सेज, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। लोमोव कहता है कि मैं उनकी गर्दन पे बहुत ही तेजी से मारूंगा जो भी मेरी लैंड पर आएगा। नतालिया सेज, यू डेयर, कि तुम हिम्मत ये चीज करके तो दिखाओ। लोमोव क्लचेस एट हिज हार्ट, ऑक्सिन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। लोमोव दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वो सीरियस हो जाता है, तो इसीलिए उसके हार्ट में पेन भी थोड़ा सा होना शुरू हुआ है, और वो दोबारा से कह रहा है कि ऑक्सिन मेडोज तुम मेरे हैं, तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि ऑक्सिन मेडोज मेरे हैं। नतालिया, प्लीज डोंट शाउट, यू कैन शाउट योरसेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योरसेल्फ। यहाँ पे नतालिया कहती है कि चिल्लाओ मत, तुम अपने घर में जो मर्जी जाके कर सकते हो, मेरे घर में तुम चिल्ला नहीं सकते हो। यहाँ पे लोमोव सेज, इफ इट वाजंट मैडम फॉर दिस ऑफुल एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, इफ माय होल वर्ल्ड इनसाइड वाजंट अपसेट, आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे। यस, ऑक्सिन मेडोज आर माइन।
दोस्तों यहाँ पे लोमोव कहता है कि अगर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज ना होती, मुझे ये प्रॉब्लम ना होती, तो मैं तुमसे आराम से बात कर रहा होता। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि ऑक्सीजन में दोस्तों मेरी है। नताला सेज आवर्स, लोमोव सेज माय। नताला सेज आवर्स, लोमोव सेज माय। दोस्तों वो दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके बीच में लड़ाई हो चुकी है। और दोस्तों इसी लड़ाई के बीच में एंटर चुबुकोव। चुबुकोव आ जाता है। चुबुकोव कौन है? नताला के फादर, जो कि दोस्तों इस रिश्ते से खुश थे। और अब वो देखते हैं कि यहाँ पे लोमोव और साथ में जो नताला है उनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे चुबुकोव का क्या रिएक्शन होगा और फर्दर दोस्तों इस आर्ग्यूमेंट में आगे क्या होने वाला है? क्या ये दोनों मान जाएंगे? लैंड किसकी है? ये जो भी होगा हम इस चीज को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।